ऑन द वे टू छत्राडी माता। तो जा रहे हैं आज हम छत्राडी माता, शक्ति माता का बहुत पुराना मंदिर है वहाँ पर। काफ़ी सारे लोग वहाँ जाते हैं, बहुत सारी मान्यता है। तो जारी रखें मेरे साथ आगे की यात्रा। चंबा से भरमौर रोड पर लूणा पुल के पास आकर, लूणा गांव के पास आकर अब हम 8 किलोमीटर ऊपर को ऑन द वे ड्राइव करेंगे। उसके बाद फिर गांव है, गांव में थोड़ा सा पैदल चल के हार्डली कोई 10 मिनट पैदल चलने के बाद ही मंदिर पहुंच जाएंगे। तो जारी रखें यात्रा मेरे साथ, लेट्स गो। अभी से महसूस हो रही है इस फ्लैग को देख के, वो है यहाँ की हवा। जो भी यहाँ पर लोग रहे हैं उनका मानना है कि यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त हवा चलती रहती है। तो हम पहुँच चुके हैं अब छत्राडी विलेज के सामने, जल्दी मंदिर तक का सफर तय करेंगे। तो जारी रखें आगे का सफर मेरे साथ, लेट्स गो। बगीचे मंदिर के रास्ते में, गाँव के बीचों बीच, और ये फ्रांसबीन की राजमा की फसल। देसी राजमा चंबा के मशहूर, जो कि इन इलाकों में पैदा होते हैं। यह है छत्राडी की वो मिर्चें जो कि अपने तीखेपन के लिए पूरे चंबा में बहुत मशहूर हैं। ये पुरानी स्टाइल का मकान, और ज़्यादातर ऐसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से मॉडर्न मकान है। कुछ कुछ अभी तक पुरानी शैली के मकान भी लकड़ी के। ये अब हम मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं, जहां पर कि आज संडे होने की वजह से कोई शायद कोई टूर्नामेंट इस ग्राउंड में। काफ़ी अच्छा यहां, सबसे ज़्यादा अच्छा देखने को ये लगता है कि जो स्लेट हैं ग्रेनाइट, ये वही छत और आंगन, ये काफ़ी वॉलीबॉल का टूर्नामेंट लगा हुआ है। यह नीचे मेन मंदिर, और ये है वो फ्लैग जो कि काफ़ी लंबे एक ही देवदार के पेड़ के काफ़ी लंबे खंभे हैं। तो जारी रखे हुए आगे तक पुराना पनिहार, जैसे कि थोड़ा नया रंग दिया गया है जो पर काफ़ी पुरानी निकाश की गई है। ये कोई आज यहाँ शायद कोई हवन वगैरह हुआ है, और यह है मंदिर जो कि टूर्नामेंट की वजह से यहाँ पर काफी शोर है आज। काफी पुराना लकड़ी से पूरा मंदिर, लकड़ी के ऊपर काफी अच्छी नक्काशी। और यह है इसका, इसे आप पॉज करके पढ़ सकते हैं पूरा इस मंदिर का इतिहास। वीडियो को यहीं पर पॉज करके पढ़ा जा सकता है। और पूरा का पूरा लकड़ी का मंदिर, और काफी आसपास का काफी खूबसूरत नज़ारा, आसपास के
पहाड़ और ये साथ में कुछ सराय वगैरह भी हैं, साथ में ही ये मंदिर का बैक साइड का एरिया और ये साथ में शिव का मंदिर। ये अपनी तरह की अलग ही खूबसूरती के साथ बहुत ही खूबसूरत मंदिर। ये एक और मंदिर जहाँ पर के अंदर के हैं दर्शन, शिव पार्वती का ये अंदर के बहुत ही खूबसूरत दर्शन पत्थर पे उकेरी गई बहुत ही शानदार मूर्ति। ये पुराने शैली के लकड़ी के मजबूत स्तंभ और पूरी की पूरी नीचे फर्श भी लकड़ी का है और ऊपर ये पूरी तरह से लकड़ी से ही ये पूरा बनाया गया। आज बाहर मिंजर उपलक्ष में वॉलीबॉल की ट्रॉफी हो रही है। ये मिस्टर विराज जो कि मेरे साथी हैं, ये जंगली जानवरों के काफ़ी बड़े बड़े सींग, यहाँ की सजावट और ये लकड़ी के डिज़ाइन जो कि जब तेज़ हवा चलती है तो ये आवाज़ करते हैं, घंटी ऐसे खड़खड़ की आवाज़ काफ़ी अच्छी। मंदिर के अंदर की शानदार बहुत ही अच्छी नक्काशी मंदिर के ऊपर और ये दीवार के ऊपर काफी बारीकी से उकेरी गई काफी खूबसूरत हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां। और ये आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर नक्काशी जो कि यहाँ पर इस मंदिर के आसपास बहुत ही सुंदर नक्काशी। और ये काफी मनमोहक खूबसूरत माता की शक्ति माता की मूर्ति जिसे कि सभी लोग हिंदू सभी लोग शक्ति माता दुर्गा माता पूजते हैं। काफी सुंदर आसपास का भी माता की मूर्ति के आसपास का भी काफी खूबसूरत नजारा। और ये अंदर गर्भगृह के अंदर की छत जिसके ऊपर की काफी खूबसूरत नक्काशी की गई है और जय शक्ति माता की बहुत ही शानदार यहाँ का ये पूरा का पूरा नजारा। ये मंदिर के कुछ धार्मिक पूजा पाठ के दौरान प्रयोग किए जाने वाले चीजें और श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई गई त्रिशूल और ये ऊपर का काफी अच्छा खूबसूरत नजारा। ये मंडी हमारे मंदिर के पंडित जी और दीवार पर
जैसे कि शक्ति धीरे माता भी गया था, वहां पर भी दीवार पर भी काफी अच्छी, यहाँ पर भी चंबा शैली में उकेरी गई, बहुत ही खूबसूरत हमारे अलग अलग विष्णु अवतार या किसी और तरह के। सबसे खूबसूरत जो है वो है यहाँ की छत पर उकेरी गई शानदार नकाशी, और ये ढोल जो कि पूजा पाठ के टाइम यूज होते होंगे, और ये काफी खूबसूरत, बहुत ही। कभी अगर आए तो जरूर इन सभी जो भी यहाँ पर चित्रकारी दीवारों के ऊपर की गई है या जो कि छत के ऊपर नकाशी की गई है, और ये देखिए काफी सुंदर नकाशी, और ये दीवार पर जो कि अब थोड़ा समय के हिसाब से थोड़ी थोड़ी कुछ चित्रकारी खराब भी हो गई है, और शानदार इसका स्ट्रक्चर, टोटली डिफरेंट तरह का स्ट्रक्चर। और ये पहले एक स्तंभ के ऊपर होता था, और ये पूरा मंदिर उसी स्तंभ के ऊपर घूमता था, लेकिन यहाँ में लोगों द्वारा बताया गया कि जब एक बार कभी काफी बड़ा भूकंप आया जिसकी वजह से अब ये मंदिर घूमता नहीं है, फिक्स हो गया एक जगह पे, ये पूजा पाठ के दौरान यूज किए जाते हैं। तो जरूर इस मंदिर के काफी बड़े बड़े पुरानी शैली के ये दरवाजे जो कि म्यूजियम में भी सजाए गए हैं, पुरानी शैली के ऐसे ऐसे दरवाजे, माता चित्राड़ी माता तक की यात्रा का सफर जो कि हम सभी ने, आपने इस वीडियो को देख के पूरा किया होगा। तो जरूर इस मंदिर के बहुत ही एक शानदार आसपास का आपने एक टोटली अलग सी दुनिया में, जैसे लगता नहीं हम अलग सी कंस्ट्रक्शन, और जारी रखिए यात्रा मेरे साथ, देखते रहे इसी तरह के बहुत सारे वीडियोज, और खुद भी जाए और अपने फ्रेंड्स लोगों को भी वहां तक लेके जाए। तो जय हो, जय माता दी।